खबरें विस्तार से। बीजेपी 2024 में लोकसभा चुनाव में 400 पार का लक्ष्य लेकर उतरेगी और ऐसे में पार्टी ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटें जीतने का टारगेट रखा है। लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी छत्तीसगढ़ में अलग अलग अभियान भी चला रही है। इसी कड़ी में कल से गांव चलो अभियान की शुरुआत होनी है। अभियान में सीएम के अलावा मंत्री भी शामिल होंगे और उधर कांग्रेस बीजेपी के अभियान पर सवाल उठा रही है। विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव पर फोकस करना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और पार्टी ने इस बार सभी 11 सीटों को जीतने का लक्ष्य बनाया है। कल से छत्तीसगढ़ में पार्टी का गांव चलो अभियान शुरू हो रहा है। इस अभियान के तहत बीजेपी कार्यकर्ता हर गाँव में दस्तक देंगे। जिला और ब्लॉक स्तर की टोलियां गाँव तक जाएंगी। केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। भविष्य के भारत के बारे में लोगों को बताया जाएगा। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक इस अभियान में शामिल होंगे। बीजेपी का यह अभियान 11 फरवरी तक चलेगा और पार्टी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव में वोट शेयर को 46% से 51% से ज्यादा किया जाए। एक दिन, एक रात, 24 घंटे पूरे वहीं पे रहेंगे। किसी कार्यकर्ता के यहाँ भोजन, कहीं विश्राम, रात्रि विश्राम, इस तरीके की योजना है। ऐसा छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश में ऐसा एक भी परिवार नहीं होगा जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की किसी न किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा होगा। तो निश्चित रूप से विभिन्न चरणों में विभिन्न आयाम है इस योजना के, उनका ये सफलतापूर्वक निष्पादन करें। बीजेपी केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों को टारगेट कर रही है। वहीं कांग्रेस को ये लग रहा है कि जनता बीजेपी नेताओं के गांव पहुंचने पर सवाल करेगी। कांग्रेस ने बीजेपी पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। गांव चलो अभियान में इनके नेता कार्यकर्ता गांव जाएंगे तो गांव वाले इनसे पूछेंगे कान पकड़ के कि भैया जो पहले वादा किया तो उसका क्या हुआ, कौन सा मूल्य के यहाँ आए हो। ये इनका चरित्र है। वोट लेने के लिए निचले स्तर तक गिर जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़ा बड़ा वादा करेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव हो जाता है ये यू टर्न ले लेते हैं। इस सरकार, इस पार्टी का चरित्र है किसानों को, गांव वालों को धोखा देना। गांव चलो अभियान बीजेपी पूरे देश में चला रही है। अभियान के जरिए पार्टी न केवल जनता तक पहुंच रही है बल्कि लाभार्थियों की भी पहचान कर रही है। एक रणनीति के तहत बीजेपी ने इस अभियान को डिजाइन किया है। भले कांग्रेस अभियान को नकार रही हो, लेकिन जनता से सीधे संवाद का मतलब कांग्रेस भी समझती है और इसे नकारने की उसकी मजबूरी जो है सियासी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, छत्तीसगढ़। इधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की छत्तीसगढ़ में तैयारियां जोरों पर हैं। सरगुजा में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने तैयारियों पर मंथन किया। इन सब के बीच अमरजीत भगत के यहां आईटी यानी आयकर विभाग की कार्रवाई जारी रही। अमरजीत भगत राहुल गांधी की यात्रा के संयोजक है, लेकिन उनकी मुसीबत कम होती नहीं दिख रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी से मिली मात के बाद कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में युवा और तेज तर्रार सचिन पायलट को प्रदेश प्रभारी की कमान दी गई है। सचिन पायलट के सामने फिलहाल बड़ी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सफल बनाना है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 12 फरवरी को सरगुजा में प्रवेश कर सकती है। सरगुजा लोकसभा में ये यात्रा 180 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ऐसे में सरगुजा पहुंचे सचिन पायलट ने यात्रा की तैयारियों पर कांग्रेस पदाधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए और बीजेपी पर निशाना भी साधा। अंबिकापुर में 13 तारीख को राहुल गांधी जी की एक विशाल जनसभा प्रस्तावित है। अपने इस यात्रा के दौरान वो अनेक लोगों से मुलाकात करेंगे। यात्रा कुछ हिस्से बस में चलेगी, कुछ जगहों पैदल चलेंगे और इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो देश में जो यात्रा राहुल जी ने पहले निकाली थी भारत जोड़ो यात्रा, जो पैदल चले कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4,500 किलोमीटर, उसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने राहुल जी को आग्रह किया था कि एक यात्रा और निकालनी चाहिए पूर्व से पश्चिम। एक तरफ सचिन यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं, दूसरी तरफ यात्रा के संयोजक अमरजीत भगत की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही। पूर्व मंत्री के यहाँ आईटी की रेड चौथे दिन भी जारी है। यही नहीं, अमरजीत भगत के कई करीबियों से पूछताछ चल रही है।
लगातार प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के बैठकें कर रहे हैं और रूट चार्ट तैयार कर रहे हैं। ऐसे में संयोजक बने पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, लगातार उनके घर कार्यालयों में आईटी की टीम दबिश दे रही है। ऐसे में चार दिनों से पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत अपने घर से निकल नहीं पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के कई मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। इस बीच लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस भी कमर कस रही है। इस लिहाज से सचिन पायलट को कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी है। संगठन को मजबूत करने के साथ ही विपक्ष के हमलों का जवाब देना है। ऐसे में उनकी चुनौतियां बड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, छत्तीसगढ़।